مولاي صل وسلم دائما ابدا على السلام عليكم صباح الخير गुड मॉर्निंग. क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है और यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अच्छी सी सुबह का आप लोगों ने हमेशा की सुबह की तरह आगाज कर दिया होगा. क्योंकि मेरा मानना यह है, मेरा सोचना यह है कि सुबह बहुत खूबसूरत होती है. क्यों खूबसूरत होती है? इसलिए खूबसूरत होती है क्योंकि हमारे दिन का आगाज होता है और अगर ये दिन का आगाज़ हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत एनर्जी के साथ करेंगे, तो फिर हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा. हमें बहुत सारी टेंशंस डेली मिल रही होती हैं लेकिन वो टेंशंस जो हैं वो फिर रिलीज़ हो जाती हैं अगर आप फ्रेश होंगे. आपका फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, आपका रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी आपने बहुत सारे काम करने हैं, अभी आपने बहुत आगे बढ़ना है और बहुत कुछ चीज़ों को आप लोगों ने संभालना है. ठीक है जी, तो कोशिश करें कि अपने आप को फ्रेश रखें. और माशाल्लाह 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 इतने अच्छे रमज़ान गुजर रहे हैं ना ये हम लोगों के, इतना मज़ा आ रहा है इन रमज़ानों में. क्यों मज़ा आ रहा है? इसलिए मज़ा आ रहा है क्योंकि देखिए जी मौसम बहुत अच्छा है और जब मौसम अच्छा है तो हम लोग को रमज़ान रोज़े जो हैं वो, खैर कहते हैं कि ये चीज़ कहना भी गलत है, इससे भी रोज़ा मखरूज आता है कि जी हम ये कहते हैं कि रोज़ा लग रहा है, बहुत रोज़ा लग रहा है, तो ये भी गलत बात है. हम अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखते हैं और ये चाहे जितने भी घंटों का रोज़ा हो हमें इसको बर्दाश्त करना है. यही चीज़ हमें रमज़ान मुबारक में सीखने को मिलती है कि हम किस तरह से अपनी चीज़ों पर बर्दाश्त हो सकते हैं, किस तरह से अपनी नफ्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं. प्रॉब्लम ये होती है ना कि हमें पता नहीं होता, हम लोग इतने यूज्ड हो चुके होते हैं अपने 11 महीनों में कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ें कर जाते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें कर जाते हैं लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि हम कितना गलत कर रहे हैं. तो इसलिए हमें बर्दाश्त सिखाई जा रही होती है रमज़ान मुबारक में. हमें बताया जा रहा होता है कि किस तरह से हमने झूठ नहीं बोलना है, किस तरह से हमने किसी का दूसरे का दिल नहीं दिखाना है और किस तरह से हमने अपने मुस्तहिक बहन भाइयों का ख्याल रखना है. हमें इस महीने ये दर्स मिलता है, ये प्रैक्टिस मिलती है और ये प्रैक्टिस फिर हमें पूरे साल करनी होती है. और खैर बहुत सारे लोग हैं, मैं कहूँ अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में अभी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो इतने सारे लोगों की मदद करते हैं. मे बी उनमें से आप बहुत हों, आप लोग हों कि आप लोग इतने लोगों की मदद करते होंगे लेकिन किसी को पता नहीं चलता होगा. और कहते हैं ना कि नेकी करनी ऐसी चाहिए कि दूसरे हाथ को भी पता नहीं चले, यानी कि आप अगर किसी का ख्याल रख रहे हैं, किसी को आप उसका हर तरह से अगर आप उसका ख्याल रख रहे हैं फाइनेंशली तौर पर भी, तो किसी दूसरे को नहीं बताया करें. वरना हमारे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम जब तक जताते नहीं हैं, हम जब तक रिलैक्स नहीं फील कर रहे होते, हमें बताना क्योंकि हमें अपनी बड़ाई बतानी होती है ना. और आपको पता है ना कि तकब्बुर करने वाले की एंट्री ही बंद है जी, वो तो जन्नत के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए गए हैं. जो लोग अपने ऊपर तकब्बुर करेंगे, जो लोग अपने आप पर प्राउड फील करेंगे, तो हमने ये नहीं करना है क्योंकि सब चीज़ें हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने दी है, हमें अल्लाह ताला से ही सब चीज़ें मिली हैं. आज हमारी जो शक्ल है, हमारे हाथ हैं, हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, इवन हम कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हम कर रहे हैं. अगर हम चाहें तो इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता. एक सेकंड के लिए अगर हम ये चीज़ सोचें कि हमें तो अपना अगला लम्हा ही नहीं पता कि अगला लम्हा हमारा है नहीं है, मुझे नहीं पता मैं ब्रेक के बाद वापस आ सकती हूँ नहीं सकती, हम इस तरह की चीज़ें अगर हम इन सब चीज़ों को सोचें तो फिर हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन होता है. हमें पता है, हमें इस बात पर पूरा पूरा यकीन होता है कि अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो अल्लाह ताला कर सकते हैं. तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से अपना कॉन्टैक्ट बना के रखा करें. और इस महीने हमारा स्पेशल कांटेक्ट हो जाता है अल्लाह ताला से और हम स्पेशल अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे होते हैं अपनी मग़फ़रत की. आपको भी जैसा पता भी है कि ये अशरा जो है ये मग़फ़रत का अशरा है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, अपनी मग़फ़रत के लिए दुआ करें क्योंकि उस दिन रोज़े हश्र में हमारे साथ कोई भी नहीं होगा, सिर्फ हम होंगे. हमने जो कुछ इस दुनिया में कमाया है, हमें जो चीज़ इस दुनिया में भेजा गया था, जिस चीज़ के लिए हमने जो चीज़ इस दुनिया में की है, उन सब का अमालनामा हमें वहाँ पर बताया जा रहा होगा. हमें वहाँ पर बहुत सवालों के जवाब देने होंगे. तो कोशिश करें कि हम अपने उन दिनों को बैलेंस करते हैं, उन दिनों के बारे में सोचते हैं कि किस तरह से हमने अपने आगे के दिनों को अच्छा बना के चलना. खैर जी, मैं तमाम पाकिस्तानियों को इस बात में मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि कल ओलंपिक्स में हमने हॉकी टीम में फाइनल हमने कल जीता है, 2 गोल से हम लोग जीत गए, तो बहुत बहुत मुबारक हो. आप देखें कि कल मैं अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन में भी बात कर रही थी, मैं और बुलंद साहब यही बात कर रहे थे कि हम लोग को ये महीना बहुत सारी खुशियों का महीना मिला है, रमज़ान मुबारक है,
है माशाल्लाह से, मौसम बहुत अच्छा है। सेकेंडली चीज़ ये कि अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है, यानी कि कल 1 अगस्त थी, आज 2 अगस्त है, तो माशाल्लाह से जी अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया। और आपको पता है ना कि 14 अगस्त जो होती है, जब वो करीब आने लगती है, तो हमारे लिए बहुत सारी हैपनिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। आपको हर तरफ पाकिस्तान के फ्लैग्स नज़र आ रहे होते हैं, बहुत कुछ एक फेस्टिवल। मेरे ख्याल से ये पूरा 14 दिन जो है वो हम एक फेस्टिवल मना रहे होते हैं। टीवी चैनल्स पे आपको बहुत सारे मिली नगमे सुनने को मिलते हैं, बहुत सारी बातें आपको इस तरह की मिल रही होती हैं। फिर साथ साथ आपको पता है कि इसी महीने में 27वीं शब भी मिलती है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें इस महीने में मिल रही हैं, तो बहुत सारी खुशियाँ हैं। तो इन सब खुशियों को हमने संभाल के रखना है, ताकि ये खुशियाँ हमसे छीन ना जाएँ, लेकिन समझना है, इन खुशियों से हमने बहुत कुछ समझना है। और अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पे, ब्रेक का मुझे फौरन इमरजेंसी इशारा हो रहा है, ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अदनान सूरी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ। फिर आपको खुश आमदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में, और यकीनन आप सबकी सुबह बहुत ही अच्छी तरीके से गुजर रही होगी। ये मेरा पैटर्न जुमला है, लेकिन मैं इसलिए बोलती हूँ कि मेरी वाकई दुआ है कि आप लोगों की सुबह अच्छी गुजरे और आप लोग का आज का दिन बहुत अच्छा गुजर जाए, वहाँ तक गुजरेगा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा। खैर जी, अभी हमारे साथ अदनान है, तो इनसे थोड़ी सी टिप्स देते हैं कि मौसम कैसा गुजर रहा है और कैसा दिन कैसा गुजरना चाहिए, थोड़ा सा इनसे पूछती हूँ। इनका दिन बहुत अच्छा गुजरता है, ये जैसे ही सेट पर आते हैं तो सबको हंसाना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हंसाना रहना चाहिए, है ना? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में, हमेशा की तरह। हाँ। जैसा कि आपने बोला, है ना, हंसाते रहना चाहिए और हंसते भी रहना चाहिए। इससे ये है कि आपके दिल का मौसम और बाहर का मौसम आपको ऑटोमेटिक खुद ही अच्छा लगने लगता है। इतनी जब सख्त बातें करते हो ना दान, तो फिर कुछ अजीब से लगने लगते हो, लगता नहीं है कि दान बात कर रहा है। क्या करूँ, मैं एक बात पूछ रही हूँ। देखिए, मेरा रोजा है, रोजे में सख्त है आजकल, आज लग रहा है मुझे रोजा। आज रोजा लग रहा है? आज रोजा लग रहा है क्योंकि आज थोड़ी धूप है, सहरी नहीं की थी, आज धूप है थोड़ी। आज कहाँ धूप है, कल तो ज्यादा सहरी करी है। अच्छा, कल आम दिनों से ज्यादा सहरी करी। आज क्या खाया? मैंने खाया था, गर्म चीज खा ली। क्या? गर्म फिश। ओ, सुबह सुबह सहरी में फिश। वैसे अगर आपको रात के 3-4 बजे कोई एक साहब गाड़ी में अपनी बेगम के साथ जाते हुए नजर आए, तो समझ लिया करें कि वो अदनान है, क्योंकि अदनान का रूटीन इतना अजीब सा है। अदनान ने मुझे बताया कि रात में घर में तुम सोते तो नहीं हो, वहां से नहीं, घर में बेगम को लेकर घूमते रहते हो। इतनी फिक्र होती है, इतनी मतलब रोजे की फिक्र होती है कि सहरी नहीं निकलना जाए, इसलिए मैं सोता नहीं। क्या बात है जी, तो आपको उठाने वाले नहीं आपके घर में? उठाने वाले सब है आजकल, तो मोबाइल में अलार्म पता ही करते हैं। जो लोग सहरी में किसी को उठाते हैं उसका भी बड़ा सवाल है, सहरी में लेकिन जो लोग बगैर सोए सहरी करें ना, उसका भी अलग सवाल है। बगैर सोए सहरी? बगैर। अच्छा, ऐसे कॉलर देखते हैं कौन है। मैं अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ गई आवाज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? जी मैं शाजिया बात कर रही हूँ। क्या हाल है शाजिया आपकी? अल्लाह का शुक्र, आपका रमजान मुबारक और दूसरा शाह मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो शाजिया। क्या कहेंगी, कैसे गुजर रहे रोजे? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कि आप हल्का फुल्का योगा करवाया करें। हम लोग हल्का फुल्का योगा करवाया करें, हम लोग तो भी अपनी एक्सरसाइजेस करवाते हैं, योगा करवाया आप कह रही हैं? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। बहुत अच्छे जा रहा है, मैं देखती हूँ आपका प्रोग्राम। आप देखते हैं, आप शाजिया हरिपुर से बात कर रही है ना? नहीं, कराची से बात कर। कराची से बात करिए आप। एक तो एक शाजिया हरिपुर से आती है, आवाज की भी है हमारे पास, बहुत दूर दूर की शाजिया, सारी शाजिया हमारे साथ, तादाद बहुत है। वैसे शाजिया नाम, कुछ नाम एक ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं ना, हर एक घर में शाजिया जरूर पाई जाती है। घर में एक सूफिया या फौजिया या, हाँ अच्छा, और कितने कितने होते थे, हर क्लास में 5-5 शाजिया होते है ना? हाँ वाकई, हर घर में एक शाजिया पाई जाती है, लेकिन सब अच्छी होती है, सब अच्छी होती है, बिल्कुल बिल्कुल सब अच्छी होती है। और क्या कहोगी शाजिया, शोज देख रही हो, ट्रांसमिशन देख रही हो शाम की? जी बहुत अच्छे कर, नहीं शाम की तो मैंने देखी, बस मॉर्निंग में आपका प्रोग्राम देखती हूं। ओए तू नहीं देख रही शाम की ट्रांसमिशन? शाम में इबादत का टाइम, इबादत का टाइम, मैंने सब बिल्कुल इबादत का टाइम, हम भी बहुत अच्छी वाली बातें कर रहे थे, तो जरूर शाम में भी देख लिया करो, ठीक है? अच्छा, दान कह रहे हैं कि हम लोग आते हैं तो इसलिए आप सुबह में देखती हैं। हां मैं देखती हूं ना सुबह में, हम इबादत की अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और शाम को भी जिया जी को देखा करेंगे, भी अच्छी अच्छी बातें करती हैं शाम को। अच्छा, शाम को भी आती हैं ये? जी बस जी, 2 टाइम की ड्यूटी दे रही हूँ मैं। अच्छा बहुत बड़ी बात है, ठीक है, फिर अब तो बहुत सारा ख्याल रखना शादी है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नहीं यार, ड्यूटी क्या देना, इतना मुझे तो इतना मजा आ रहा है, यकीन नहीं, लोग आपको देख के हैरान हो जाते हैं यार, ये मम्मी सी जान और ये जुल्म, सुबह अलग शाम अलग, 3-3 घंटे ट्रांसमिशन, बड़ी
मांग रहा है तो हमने तो बैठ जाना है और बड़े कुछ समझ के बात करनी है। मैं तो ऐसे और चैनल्स में देख रहा हूँ ना, मैं गया हूँ और चैनल्स में देखता हूँ तो स्ट्रेसी बैठी हुई होती है। आप लाइव नहीं रहना चाहिए ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं, मुझसे कहते हैं कि जी आप जिस तरह शो में होती हैं आप ऐसे यहाँ पर भी इसी तरह से, तो मुझे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं शाम की काफी पहन के आ गया, अब मैं बन के यहाँ शेरवानी पहन के बैठ जाऊँ तो लोग कहेंगे यार ये क्या हो गया। अच्छा दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि अच्छा जैसे तुमने कहा शलवार कमीज नहीं पहना, ऐसे मुझे भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन मैं एक बात ही जानती हूँ कि देखो इस्लाम या दीन ये सब चीजें जो होती हैं वो आपके दिल में होती है, ये अल्लाह को और आपको पता है कि आपका क्या कनेक्शन है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आप किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हैं, आप किसी का झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप किसी का हक नहीं मार रहे सबसे बड़ी, और आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं यार। सबसे मेन चीज ये है यहाँ पर वो क्या होता है कि इतने आराम से लोग आपको टॉन्ट कर देते, तुम्हें बोलेंगे आज लॉक में इसी पहने हुए तो क्या ये आपको टॉन्ट कर दिया गया, आपको आपको एकदम से नीचा लाने के लिए आपको बात बोल दी। नहीं वो नीचा लाने वो खुद नीचे हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि सलवार कमीज हमारा नेशनल ड्रेस है कोई हमारा मुस्लिम ड्रेस थोड़ी है। लोग मुस्लिम ड्रेस पहनना है तो फिर आप भी पहन के घूमो, योगा पहन के घूमे आप क्यों नहीं घूमते क्यों, वो तो उनका अरेबिक ड्रेस है, अरेबिक वही असल मुसलमानों का पहना तो वही ड्रेस जुब्बा जो कहलाया जाता है। लेकिन देखिए मेरा ख्याल ऐसा है कि जो लोग खुद कॉम्प्लेक्स होते हैं ना वो दूसरों के ऊपर तंकीद कर रहे हैं, बस उनको किसी ना किसी तरह मौका चाहिए होता है यार ये क्यों ऐसा है, ये ऐसा क्यों है, ये क्यों कहीं ना कहीं ऐप जरूर निकाल, लेकिन हम लोग को इग्नोर करना चाहिए ऐसे लोगों को। अच्छा छोटी बात है ना, तुमको तो बहुत मिलते होंगे ऐसी अपनी फील्ड में, बिल्कुल क्यों नहीं मिलते, क्या क्या कह रहे होते हैं। अरे यार यार ये बाल लाप ऊपर करके जो बनाए हुए हैं, मैंने कहा यार बनाए के लिए मैं बाइक पे आया हूं, एक साहब थे हम जा रहे थे अपनी गाड़ी में तो बराबर में दो साहब जा रहे थे, आगे वाला बंदा बैठा हुआ था पीछे वाला उसकी टोपी हो गई पीछे वाली तो हम लोग गाड़ी में से सिग्नल पे खड़े हुए देख रहे ना, वो काफी दूर से वो उतरे बेचारे बाइक पे थे, उन्होंने पीछे देखा टोपी उड़ उड़ के अच्छा गाड़ी के साथ साथ वहीं पे पड़ी हुई उनके पास, वो पीछे ढूंढ रहे दोनों, हमने कहा यार ये पड़ी हुई आपकी टोपी अरे आगे से आ गई यार ये बहुत दूर थी बड़े अच्छे अच्छे सुबह सुबह अच्छा देखने को उठे नमाज पढ़ी है फिर सो गए फिर दूसरी नमाज पढ़ी है और उनको देख के ऐसा लगता है कि सारा रोजा इन्होंने। अच्छा मैं बताऊँ कल माशाल्लाह से हम लोग टीम हम जीत भी गए हॉकी टीम में ओलंपिक्स में, कुछ इंटरेस्ट है कुछ पता है। बस ये है कि आजकल तो सिर्फ अल्लाह 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 हो रही है, ये है कि फिर भी पता लगता रहता है कि चीन इस वक्त जा रहा है नंबर वन पे, सेकंड नंबर पे अमेरिका जा रहा है, पाकिस्तान के नंबर पे जा रहा है, पाकिस्तान का नंबर अभी शुरू नहीं हुआ इंशाल्लाह होगा एक दिन आएगा सबसे ऊपर जा रहा होगा देखिएगा आप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हम सबकी दुआएं हैं अपने मुल्क के साथ यार, हम लोग उम्मीद तो रख सकते हैं ना। बिल्कुल क्या है वो अल्लामा इकबाल साहब का शेर है कौन सा, खुद रास्ता रहे शजर से उम्मीद है बाहर, वही वाली बात बिल्कुल। अच्छा जी अभी हम जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे क्योंकि यहाँ पे शेर शायरी स्टार्ट हो चुकी है, तो वापस आएंगे तो अदनान से और शेर सुनेंगे, लेकिन ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोफेसर ज़हरा हमारे साथ होंगे और अदनान को और शेर नहीं आते अब गीदड़ गीदड़ सुना दूंगा सर, गीदड़ सुना दीजिएगा, अदनान हमारे साथ ही है अभी, प्रोफेसर ज़हरा हमें ज्वाइन करेंगे उनसे अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे हम लोग, बिल्कुल है ना अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, मजा आता है सुनने में और दिल चाहता है कि खत्म ना हो ये किस्सा लेकिन बड़ी जल्दी खत्म कर। हाँ बिल्कुल तो चले जी जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइफ के साथ। Oh, yeah.